दतिया में चल रहे 3 दिवसीय दतिया महोत्सव के तीसरे दिन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सुपुत्र और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुकर्ण्य मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। महोत्सव के तीसरे दिन सुप्रसिद्ध गायक हिमेश रेशमिया ने अपने गीतों का समा बांधा। स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोगों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। देखिए एक खास रिपोर्ट। इस दौरान डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने कहा है कि दतिया वासियों की इच्छा अनुसार कार्यक्रम रखा गया है। यहां पर वर्ष भर विभिन्न महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। वहीं डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने स्थानीय कलाकारों का सम्मान करते हुए कहा कि दतिया के साहित्यकारों और कलाकारों ने ही देश में दतिया का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि दतिया में निरंतर महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। मैं नमन करने के लिए आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। लगभग सारे विषय आदरणीय बाबा दादा ने, विभिन्न चाचा ने कवर किए। मैं सिर्फ आपको आभार देने आया हूँ कि हमने साथ में मिलकर कोरोना जैसा कठिन काल निकाला। हम बहुत दतिया के लोग हैं। अभी कपिल भाई साहब कह रहे थे कि पहले ऐसी खबरें आती थी, पहले पर्चियां आती थी, अब अर्जियां आती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दतिया ने पूरी टीम बन गए, एक एक आदमी ने एक एक आदमी का साथ देके इस कोरोना काल में हमने घर घर राशन पहुंचाया, हमने दवाइयां पहुंचाई। दादा ने ऑक्सीजन प्लांट पहुंचाए, दादा ने रेमडेसिविर के इंजेक्शन पहुंचाए, दादा ने ऑक्सीजन युक्त बेड दतिया में मुहैया कराए। इस कोरोना काल से हम निकल के आए हैं, इसलिए जश्न का माहौल है। इसलिए केवल ये कहना चाहता हूं कि जब जुबिन नौटियाल पिछली बार दतिया में वो टॉर्च जलाई थी आखिरी में कार्यक्रम के, तो मूरे मध्य प्रदेश में दतिया का नाम रोशन हुआ था, दादा का नाम रोशन हुआ था कि कार्यक्रम अगर होता है तो वो दतिया में होता है। इसलिए आप सबका धन्यवाद। हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फाग महोत्सव में बी प्राग और अन्य कलाकार आते हैं तो आप पूरी ताकत से जुड़ जाते हैं। फाग महोत्सव खत्म नहीं होता, हमारी उसके पहले वैष्णो देवी की यात्रा से एक कार्यकर्ता लौट के आते हैं और फाग महोत्सव के बाद जब हम माई का प्रकाश दिवस हमने मनाया तो सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने इतनी मेहनत करी, दतिया की जन सामान्य जनता ने इतनी मेहनत करी के सारे होटल फ्री, सारी की सारी लॉज फ्री, दुकानदार और हर समाज का व्यक्ति जो जो माई की रथ के साथ में चल रहा था, जो जो मेहमान हमारा बाहर से आया था उस पर पुष्प वर्षा करके आपने साबित कर दिया कि पीताम्बरा माई की असीम अनुकंपा दतिया की जनता पर बरसती है और उसके बाद भी आप यहाँ तक नहीं रुके। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुप्रसिद्ध गायक श्रीधर ने प्रेम की नैया है राम के भरोसे फिल्मी गाने से श्रोताओं का मनोरंजन किया। उसके बाद प्रसिद्ध गायिका भूमि त्रिवेदी ने रामलीला के गाने से श्रोताओं में उत्साह भर दिया। इसके बाद जब हिमेश रेशमिया मंच पर आए तो श्रोताओं ने तालियों के साथ उनका स्वागत एवं उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के अंत में हिमेश ने उनके साथ आए इंडियन आइडल 12 के प्रतिभागी सम्यक प्रसन्ना का परिचय कराया और अंत में सम्यक ने भी प्रस्तुति दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, दतिया।